जी आप ये देख सकते हैं कि ये स्नो आइस पड़ी हुई है ये पूरी, ये देख लें। ये देखें अभी नारान के रास्ते, ये 24 डेट को ये नारान के रास्ते ओपन हुए हैं, तो लिहाजा हम जा रहे हैं जहाँ तक ये रास्ते ओपन हुए हम आपको दिखाएंगे। हमने जाना था बाबूसा टॉप, वो भी बंद है, और मेरे इस राइड से 60 किलोमीटर बाबूसा टॉप है तो वो आई थिंक बंद है, तो झील भी बंद है। हमारा टूर तो चलो हमें पता नहीं चला कि रास्ते अभी खुले नहीं हैं, तो हम आ गए हैं। बाकी माशाल्लाह मज़ा आ रहा है, हम आपको जहाँ तक हो सकेगा हम दिखा रहे हैं आपको पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। देखिए हम अभी बालाकुंडी से निकल रहे हैं बाबूसा टॉप की तरफ, अगर रास्ते खुले हुए तो इंशाल्लाह आपको व्यू करवाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि रास्ते खुले हों तो हम आपको दिखाएंगे बाबूसा टॉप। आगे लूलूसर झील है, बहुत प्यारी लोकेशन है। माशाल्लाह ये हमारा पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी। वादियाँ सर्दी के टाइम में ये बंद होती हैं क्यों, यहाँ ग्लेशियर की पहाड़ियाँ हैं, तो अभी हम जा रहे हैं ग्लेशियर देखने के लिए। ये सारी ग्लेशियर की पहाड़ियाँ इसे कहते हैं, आप देख सकते हैं हमारा पाकिस्तान कितना प्यारा है। और हमारा टूर सर्दी गर्मी में होते हैं, तो अभी ये नारान का ये आप देख सकती हैं, ये यहाँ के ये जानवर।
गाइस मिस करता हूँ, आप खैरियत से होंगे। ये चेक करें, ये बाबू सर टॉप की तरफ जा रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे इतनी स्नो है, तो आगे क्या होगा, इतनी बर्फबारी है, कितने कितनी हाइट तक, ये रोड को आप जजमेंट कर सकते हैं उस बर्फ को। ये चीज़, ये मज़े लेने के लिए हम आए थे नेरान। वाओ, सो ब्यूटीफुल, पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी। माशाल्लाह जबरदस्त, वेल डन वेल डन। ये आप आगे चेक करें, यहाँ से गाड़ियाँ, एक गाड़ी ही गुजर सकती है, और ये एक बाइक वाला और दूसरी ये गाड़ी है। परा रख, परा रख। आप ये बैग, मेरी बैक साइड पे ये देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है। ये हम नेरान के नेरान में बाबूसा टॉप की तरफ पालाकुंडी से गुजर के आ रहे हैं, तो बाबूसा टॉप का मंजर देखते हैं क्या होता है। हमारी तो कोशिश होगी कि हम आपको नेरान का पूरा एक विज़िट करवाएं, जो बंदे नहीं आ सकते किसी मजबूरी के तहत, वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। अभी नेरान में आए, नेरान के रास्ते खुल चुके हैं, जो बर्फ़बारी है आपको दिख रही है, ये एक दो महीने के बाद ये बर्फ़बारी आपको नहीं मिलेगी। और बाबूसा टॉप पे देख तो सोचो कि कितनी बर्फ़बारी होगी। तो आगे चलते रहे हैं, हमारे साथ बने रहे हैं, तो बैक व्यू आप सब देख रहे हैं, बैक गाड़ियाँ भी देखे जो आ रही हैं। यहाँ से सिर्फ गाड़ी एक ही क्रॉस कर सकती है, जितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे। मैं तो फिलहाल गाड़ी के छत पे बैठा हुआ हूँ, मेरे पास गाड़ी रिबॉन है, उसका सनरूफ है, और बहुत इंजॉय और बहुत मज़ा आ रहा है। जो मेरे चाहने वाले देखने वाले हैं वो भी इंजॉय करें। वेरी गुड, अब आपको आगे दिखाते हैं, आगे का सीन चेक।